हमीरपुर शहर में जमीन जायदाद के विवाद की जांच के दौरान एक पक्ष से पुलिस ने बंदूक बरामद कर अपने कब्जे में ले ली है। बताया जा रहा है कि मामले की तफ्तीश करने के लिए पुलिस शनिवार सुबह के समय हमीरपुर शहर के एक मकान में पहुंची। यहां पर जब छानबीन की गई तो अंदर रखी हुई एक बंदूक बरामद हुई है। हालांकि डबल बैरल की इस बंदूक का लाइसेंस पुलिस को मिला है, लेकिन वह एक्सपायर हो चुका था। साथ ही मकान के अंदर रखी गई कुछ दवाइयों की संदेहास्पद जानकारी पुलिस को मिली है। हालांकि दवाइयों वाले मामले में पुलिस जांच कर रही है और दवाइयों के स्टॉक का रिकॉर्ड जांचा जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक घर में ही जमीन को लेकर विवाद पैदा हो गया था। जमीनी विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों की तरफ से मामला पुलिस में दर्ज करवाया गया। वहीं दोनों पक्षों की तरफ से महिलाओं ने मामला दर्ज करवाया है। शिकायत के बाद पुलिस ने क्रॉस केस दर्ज किया है। बताया ये भी जा रहा है कि एक पक्ष की तरफ से दूसरे पक्ष पर घर में बंदूक रखने के संदर्भ में आरोप लगाए गए थे। दोनों पक्षों की शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच करने के लिए मौके पर पहुंची। पुलिस अधीक्षक हमीरपुर भगत सिंह ठाकुर ने बताया कि जमीनी विवाद को लेकर मारपीट का मामला दर्ज करवाया गया है। पुलिस हरेक पहलू से मामले की जांच कर रही है। अच्छा,